गए हम फिर से। अब अपना सर्विस टैक्स आखिरी सांस ले रहा है, अब जल्दी से खत्म होने वाला है, चलो इसको खत्म करते हैं। अब कल का बोर्ड अभी भी ऐसा ही है, तो इसमें एक छोटा सा चेंज मुझे करना है, तुम लोग भी अपने बुक में कर लो। यहाँ पे मैंने लिखा था सर्विस टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑफ, ये सब कुछ। तो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के अथॉरिटीज को, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को, बीएमसी को, या गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस होते हैं वहां पे भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो भी सर्विस टैक्स नहीं होता। तो बस इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, तो मेरा लिख के हो गया है, अब फटाफट इसको जरा देखते हैं हमने क्या लिखा है। तो 27 एंट्री क्या है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटी। अभी पता है इनक्यूबेटी क्या होता है, इनकी बेटी उनकी बेटी सुना था, इनक्यूबेटी क्या होता है, मतलब स्टार्टअप कंपनी। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कोई स्टार्टअप कंपनी होगी तो फॉर फर्स्ट 3 इयर्स अप टू टर्नओवर ऑफ 50 लाख। सुनो ये बहुत शॉर्ट में दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर ले सकता हूँ, बट टीवी में इतना लेक्चर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट 3 इयर्स अप टू टर्नओवर ऑफ 50 लाख फॉर द ईयर सर्विस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं और आएगा भी नहीं, बट फिर भी हमने पढ़ लिया कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटी STI फॉर फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 साल तक उनको सर्विस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है अगर उनका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है। तो अगर उनका टर्नओवर एक बार 50 लाख क्रॉस हो गया तो उस साल और अगले साल उनको सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि सर्विस प्रोवाइडर बाय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटी को पहले 3 साल तक सर्विस टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है, प्रोवाइडेड उनका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है। जब उनका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस हो जाएगा तो उस साल और उसके अगले साल उनको सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा, समझा? तो ये वाला पॉइंट अपना हो गया। नेक्स्ट, सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स मेंबर्स। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी उनके मेंबर्स लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, एक ट्रेड यूनियन जो एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, ट्रेड यूनियन प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेड यूनियन के शेयर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इट इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, इसने सर्विस प्रोवाइड की है वर्कर लोगों को। अब ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर मेरी फैक्ट्री है, मैंने अचानक से वर्कर लोग को बोला कि कल से तुम लोग को हर दिन 22 आवर्स काम करना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग लंच, सैटरडे संडे भी काम करना पड़ेगा, 26 जनवरी 15 अगस्त को भी काम करना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा, करना तो करो वरना जाओ, पगार नहीं बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे, बराबर? मैं दूसरे वर्कर लेके आऊंगा, वर्कर लोगों की कमी है, क्या मैं इमीडिएटली पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता हूँ? तो इससे बचने के लिए वर्कर लोगों का एक यूनियन होता है जिसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन। ऐसा कुछ हुआ तो ये लोग हड़ताल कर देंगे, करेक्ट? तो क्या होता है, ये वर्कर लोग हर महीने कुछ छोटी छोटी मेंबरशिप उनको पे करते हैं, फिर उस मेंबरशिप के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। बहुत नॉमिनल होता है, 10 रुपीज 20 रुपीज पर मंथ, उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। किसी भी इंसान को बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के बाहर कंडक्ट करना है तो किसी ऑर्गेनाइजर ने इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड की। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये इंडिया, इंडिया अपने को पता है, तुम लोग को पता हो चुका है, ये इंडिया में ग्रेजुएट गुरु नाम के हमारे क्लासेस है। हमने सोचा कहीं इवेंट करना है, कहाँ करेंगे, तो बैंड्रा में इवेंट करेंगे, मुंबई के बैंड्रा में हम लोग इवेंट करने वाले, और XYZ इवेंट कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो सर्विस प्रोवाइडर भी इंडिया में, सर्विस रिसीवर भी इंडिया में, कुछ झंझट है ही नहीं, इसके ऊपर हम लोग सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है? यही इवेंट अगर हमने सोचा यहाँ करेंगे आउटसाइड इंडिया, इवेंट आउटसाइड इंडिया अगर करना है और इन्होंने ये सर्विस हमें प्रोवाइड की है, बट सर्विस यहाँ प्रोवाइड की है बट वो इवेंट हमने इंडिया के बाहर कंडक्ट किया है, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में, सर्विस रिसीवर इंडिया में, बट जो इवेंट हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है, इस केस में सर्विस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नो सर्विस टैक्स। पॉइंट समझा क्या लिखा है, कि इवेंट मैनेजर भी इंडिया में और वो जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इंडिया में, बट उनका बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो एग्जीबिशन अगर इंडिया के बाहर हेल्ड करते हैं तो फिर उसके ऊपर सर्विस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो 29 हो गया, अब फिर से जाते ऊपर 30। तो हमने लिखा है सर्विस बाय सब ब्रोकर टू अ स्टॉक ब्रोकर सेलिंग एजेंट ऑफ सिम कार्ड। ये क्या है पता है, इनके लिए कोई और सर्विस टैक्स पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक ब्रोकर पूरा सर्विस टैक्स पे कर रहा है तो उसके अंडर काम करने वाले सब ब्रोकर को सर्विस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है।
मेन कॉन्ट्रैक्टर अगर सर्विस टैक्स भर रहा है तो उसके अंदर उसके अंडर काम करने वाले सब कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऊपर लिखे हमने सेलिंग एजेंट ऑफ सिम कार्ड और रिचार्ज कूपन वाउचर। अगर मैं रिचार्ज कूपन लेता हूं तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स होता है, बट वो सर्विस टैक्स वो कंपनी वोडाफोन एयरटेल वो कंपनी पे करेगी, करेक्ट। तो वो कंपनीज अगर सर्विस टैक्स पे कर रही है तो इस सेलिंग एजेंट को सर्विस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा, इनके बिहाफ पे और कोई सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है सर्विस ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स, कत्तल खाने पे भी सर्विस टैक्स नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सर्विस बाय पब्लिक लाइब्रेरी, देखो गवर्नमेंट ने बोल तो दिया ऑल सर्विसेज टैक्सेबल, बट छोटी छोटी क्या 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 निकल आया देखो। तो पब्लिक लाइब्रेरी अगर किसी को प्रोवाइडिंग बुक्स और एनी नॉलेज एनहांसिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। फिर से देखो, सर्विस बाय पब्लिक लाइब्रेरी जो लोगों को बुक्स या एनी नॉलेज एनहांसिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है तो सर्विस टैक्स नहीं आएगा। अगर इसी पब्लिक लाइब्रेरी ने मूवीज दिखाने का काम चालू किया या पिकनिक वगैरह लेके आने का काम चालू किया, कोई भी अदर सर्विस उन्होंने अदर देन ये सब कुछ चालू किया तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स आएगा। इतने है, इतने के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी का मेन काम होता है बुक्स एंड नॉलेज एनहांसिंग मटेरियल प्रोवाइड करना। अगर मूवीज की सीरीज भाड़े पे देना शुरू कर दिया उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स आएगा, सिर्फ बुक्स के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। सर्विस बाय ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, अगर मैं किसी को मेरा चलता फिरता बिजनेस ट्रांसफर करूं और उसके बदले में कुछ एडिशनल कंसिडरेशन लूं तो उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। अगर मैं किसी को मेरा चलता फिरता बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसका वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली कैसे होगा, मेरे सारे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये मेरा मिल जाएगा नेटवर्थ, नेटवर्थ प्लस ये बिजनेस में रनिंग कंडीशन में तुझे ट्रांसफर कर रहा हूँ उसके बदले में कुछ एडिशनल पैसे मैं चार्ज करूंगा, जिसके अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं गुडविल, करेक्ट। मैं उससे गुडविल चार्ज करूंगा, एडिशनल जो भी होता है, तो वो जो एडिशनल मैंने उसको प्रोवाइड किया चार्ज किया वो क्यों चार्ज किया, क्योंकि मैंने चलता फिरता बिजनेस उसको ट्रांसफर किया, तो बिजनेस चलता फिरता बनाने के लिए मैंने जो मेहनत की है उसके बदले में मैं उससे जो चार्ज लेता हूँ दैट इज गुडविल, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। इन शॉर्ट गुडविल के ऊपर सर्विस टैक्स यहाँ पे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक जॉब वर्क रिलेटेड टू, अब जॉब वर्क क्या होता है, हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करा के देना, ठीक है। जैसे कि मैंने सोचा ये मार्कर बनाने की कंपनी स्टार्ट करूंगा तो मार्कर बनाना मैंने स्टार्ट किया, बट मुझे ना ये प्रिंट करने नहीं आता, मार्कर बनाने आता है, प्लास्टिक का ये डब्बा बनाने आता है, ढक्कन बनाने आता है, अंदर इंक डालने आता है, सब आता है, बट ये करने नहीं आता। मैंने सोचा चलो काम करते हैं, ये प्रिंटिंग का काम किसी को आउटसोर्स करते हैं और वो आउटसोर्स होने के बाद वो प्रिंट करके मार्कर मेरे पास ही आएगा, वो अपने मर्जी से कुछ भी प्रिंट कर सकता है क्या, नहीं। मैंने जो डिसाइड किया है जो मुझे चाहिए वही वो प्रिंट करके देगा, इट इज कॉल्ड जॉब वर्क। तो मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो मुझे प्रोडक्शन की एक प्रोसेस करके दे रहा है, मार्कर मेरे पास आने के बाद मैं इसको मार्केट में बेचूंगा, वो बेच सकता है क्या, नहीं। तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक जॉब वर्क रिलेटेड टू। अब सारी की सारी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस पे सर्विस टैक्स नहीं आएगा ऐसा उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला है कि रिलेटेड टू ये हुआ ना तो ही उस पर सर्विस टैक्स नहीं आएगा, बाकी कोई भी प्रोसेस करो सर्विस टैक्स आएगा। देखो क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक जॉब वर्क रिलेटेड टू टेक्सटाइल प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग, सो टेक्सटाइल कपड़े के ऊपर प्रिंट करना प्रोसेस करना ये प्रोसेस के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स गोल्ड और अदर प्रेसियस मेटल्स और स्टोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस प्रोसेस के ऊपर भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। फिर प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक प्लेटिंग हीट ट्रीटमेंट पाउडर कोटिंग स्प्रे पेंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो ट्रीटमेंट हो रही है अगर ये ट्रीटमेंट टू पार्ट ऑफ साइकिल और सिलाई मशीन सेविंग मशीन साइकिल या फिर सिलाई मशीन के पार्ट्स के ऊपर अगर ये ट्रीटमेंट हो रही है तो उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। अगर यही जिंक प्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर कोई कार बनाने वाले कंपनी के पार्ट्स के ऊपर हो रहा है ना तो उस सर्विस पे सर्विस टैक्स आएगा। अरे समझा कहाँ पे नहीं आएगा, तो साइकिल या सिलाई मशीन के पार्ट्स के ऊपर ये अगर कुछ करेंगे तो सर्विस टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर बना रहा हूँ लैपटॉप बना रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर अगर कुछ पाउडर कोटिंग वगैरह मुझे करना है और अगर मैं वो काम किसी कंपनी को आउटसोर्स करता हूँ उस पर सर्विस टैक्स आएगा, ठीक है। मैं ये मार्कर बनाता हूँ मार्कर के ऊपर मुझे कुछ पाउडर कोटिंग ये प्रिंटिंग ही करके चाहिए, सपोज ये प्रिंटिंग करके चाहिए, उन्होंने टेक्सटाइल प्रिंटिंग बोला है मार्कर प्रिंटिंग नहीं बोला है, तो ये प्रिंटिंग के ऊपर सर्विस टैक्स आएगा, किसी भी सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स आएगा, बट इन्हीं जगह पे सर्विस टैक्स नहीं आएगा। एंड 35th मैंने लिखा है सर्विस बाय एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सपोज ये मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में 400 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, 400 वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेरी फैक्ट्री है, अचानक से इधर से आग लग गई, आग बढ़ते गए अंदर 400 वर्कर है, क्या करें वो मर जाएंगे,
तो ठीक है ऐसा हो गया, बट इनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? अब ये लेबर लोग इतने क्वालिफाइड तो नहीं होंगे कि अपना लाइफ इंश्योरेंस कराए, मेडिकल इंश्योरेंस कराए, तो ये जिम्मेदारी बनती है उस फैक्ट्री के ओनर की। उसको क्या करना पड़ता है, सारे वर्कर लोगों का इंश्योरेंस करना पड़ता है। ये इंश्योरेंस कैसे होगा, मैं हर एक इंसान का LIC का फॉर्म भर के नहीं रख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इनके पास आऊंगा, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं ESIC। ये वर्ड तुम लोगों ने शायद सुना होगा, ESIC, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या करेंगे, सारे वर्कर लोगों का इंश्योरेंस करेंगे। जनरली अगर मैं मेरा लाइफ इंश्योरेंस करूंगा तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स आएगा। देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्पेसिफाइड जनरल इंश्योरेंस, स्पेसिफाइड लाइफ इंश्योरेंस, आम आदमी बीमा योजना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कुछ स्पेसिफाइड लाइफ इंश्योरेंस पे सर्विस टैक्स नहीं आता। बट जनरली मैं मेरा लाइफ इंश्योरेंस करूंगा, तुम लोग तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस करोगे, सर्विस टैक्स आएगा, बट यहाँ पे नहीं आएगा। ये क्या है, दिस इज नॉट लाइफ इंश्योरेंस, ये एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ESIC का ये इंश्योरेंस है, इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने 35 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस अगले पार्ट में अपना खत्म होने वाला है। ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इतना पार्ट कंप्लीट कर लो।
ओके तो मेरा लास्ट राउंड भी लेके हो चुका है, फटाफट देखते हैं मैंने क्या लिखा है। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब क्या होता है, तो जम्मू कश्मीर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे जगह पे हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन मतलब ऐसा इंसान जो इस जगह पे है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, हमने देखा था जम्मू कश्मीर, तो अभी मैंने क्या देखा था, जम्मू कश्मीर का इंसान जम्मू कश्मीर में सर्विस प्रोवाइड करेगा तो सर्विस टैक्स नहीं आएगा, करेक्ट। बट जम्मू कश्मीर का इंसान बाहर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो सर्विस टैक्स आएगा, ये हमने देखा था। बट इस केस में भी कहाँ पे सर्विस टैक्स नहीं आएगा, ये देखो। सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। अगर वो जम्मू कश्मीर का इंसान या स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंसान गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर्विस टैक्स नहीं आएगा। अगर वो इंसान बाहर चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट को सर्विस प्रोवाइड करता है तो भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। अगर ये इंसान जम्मू कश्मीर का इंसान बाहर किसी मंदिर को सर्विस प्रोवाइड करेगा, सर्विस टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज रिलीजियस ट्रस्ट। और यहाँ के इंसान ने बाहर सर्विस प्रोवाइड किया है, बट वो भी ऐसे एरिया के इंसान को सर्विस प्रोवाइड किए, वो भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। फॉर एग्जांपल सेज, तो किसी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इंसान को, बाहर के इंसान ने यहाँ पे जाके सर्विस प्रोवाइड की, तो भी उस पर सर्विस टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमने स्टार्टिंग में देखा था, जम्मू कश्मीर का इंसान बाहर जाके सर्विस प्रोवाइड करेगा तो सर्विस टैक्स आएगा, बट कहाँ कहाँ पे सर्विस टैक्स नहीं आएगा, तो अगर वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है तो नहीं आएगा, या बाहर जाके चैरिटेबल ट्रस्ट को, रिलीजियस ट्रस्ट को प्रोवाइड करता है तो भी नहीं आएगा, या बाहर किसी ऐसे इंसान को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो खुद नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट, सर्विस बाय पब्लिक कन्वीनियंस जैसे बाथरूम, वॉशरूम, ये सब कुछ, इस पर भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। ये यूरिनल, टॉयलेट, अब कैसा है, उधर जाके ₹5 पे करेंगे, ₹5 प्लस सर्विस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ₹5। तो पब्लिक टॉयलेट पे भी नो सर्विस टैक्स। सर्विस बाय म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपालिटी के सर्विस पे भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। जैसे मेरे एरिया में बहुत सारे मच्छर हो गए, मैंने म्यूनसिपालिटी को कॉल किया, उनको बोला भाई साहब जल्दी आओ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हो गए, वो आके क्या करेंगे, धुआं मर के जाएंगे। तो जैसे धुआं मर के जाएंगे, वो फ्री में धुआं नहीं मारते, उसके लिए चार्जेस लेते हैं, तो उस चार्जेस के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, अगर हमने सर्विस इम्पोर्ट किया है तो ये हमने कहा देखा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नाम का अलग से एक कंसेप्ट हमने किया था, जहां पे हमने देखा था कि अगर इंडिया के बाहर का इंसान इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करे, बाहर का इंसान इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एंड इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, हम उस इंसान को, गवर्नमेंट उस इंसान को पकड़ नहीं सकती, इसके लिए गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगी और मुझे बोलेगी तूने सर्विस इंपोर्ट काय को किया, आप तेरे को सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सर्विस रिसीवर विल पे सर्विस टैक्स टू गवर्नमेंट, ठीक है। बट इस केस में ये हमने देखा था बाय अदर, आरबीआई इंपोर्ट करेगा तो क्या होगा, बाकी लोग इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अदर सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा रिवर्स चार्ज, सर्विस रिसीवर विल पे सर्विस टैक्स टू गवर्नमेंट। ये पार्ट हमने और एक बार डिटेल में देखा था जब हमने किया था हु इज लायबल टू पे सर्विस टैक्स इन प्रोसीजरल कंप्लायंस, ठीक है। तो सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। अब मैं स्पीड स्लो करके फिर से एक बार तुम लोग को यही चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर मैं सर्विस इंपोर्ट करता हूं मतलब इंडिया के बाहर का इंसान इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करता है तो गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो इंडिया के बाहर बैठा है। गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी, मुझे पकड़ेगी, बोलेगी तूने सर्विस इंपोर्ट क्यों किया, अब तुझे सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस रिसीवर विल पे सर्विस टैक्स टू गवर्नमेंट, और जब भी सर्विस रिसीवर पे सर्विस टैक्स टू गवर्नमेंट, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, याद आया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इस केस में रिवर्स चार्ज होगा अगर कोई भी इंसान सर्विस इंपोर्ट करता है तो, बट अगर इंपोर्ट करने वाले लोग आरबीआई है तो देखेंगे कौन सी सर्विस प्रोवाइड हो रही है। अगर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन रिजर्व, अगर आरबीआई के जो भी फॉरेन रिजर्व्स है उनको मैनेज करने का, मेंटेन करने का काम अगर कोई इंडिया के बाहर का इंसान कर रहा है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरी सर्विस अगर प्रोवाइड की जाएगी तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स आएगा, बट रिवर्स चार्ज। तो इस केस में आरबीआई सर्विस टैक्स पे करेगा अगर आरबीआई कोई भी सर्विस इंपोर्ट करता है तो, बट इंपोर्ट की हुई सर्विस अगर ये है ना मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन रिजर्व तो सर्विस टैक्स नहीं आएगा। अरे फंडा समझा, 40 हो गए, अब उधर जाना पड़ेगा। 41, सर्विस बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट फॉर टूर कंडक्टेड वोनली आउटसाइड इंडिया। सो टूर कंडक्टेड वोनली आउटसाइड इंडिया टू फॉरेन टूरिस्ट मतलब क्या, अगर कोई टूर ऑपरेटर है, सपोज मैंने प्रतीक टूर्स एंड ट्रेवल शुरू किया और मैं मुंबई के लोगों को मुंबई दर्शन में घुमाता हूँ या इंडिया दर्शन में, भारत दर्शन में घुमाता हूँ, तो उस पर सर्विस टैक्स आएगा।
मैं इंडिया के लोगों को इंडिया के बाहर घुमाता हूँ, यूके दर्शन करा के लेके आता हूँ, तो उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स आएगा। मैं इंडिया का टूर ऑपरेटर बाहर के लोगों को, यूके के लोगों को इंडिया दर्शन करना है, तो यूके के लोगों को मैं इंडिया में लेके आया, इंडिया दर्शन कराया, तो भी सर्विस टैक्स आएगा। कहाँ पे सर्विस टैक्स नहीं आएगा? अगर मैं बाहर के लोगों को कहीं बाहर ही घुमाऊं ना, तो सर्विस टैक्स नहीं आएगा। मतलब क्या, मैंने यूके के लोगों को यूके दर्शन कराया, यूके के लोगों को रशिया दर्शन कराया, रशिया के लोगों को यूएस दर्शन कराया, वोल्ली आउटसाइड इंडिया, उनको इंडिया की शक्ल भी नहीं दिखाई, तो उस केस में सर्विस टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि इंडिया का इंसन इंडिया के बाहर सर्विस प्रोवाइड करा है, ठीक है। सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट बाहर के लोगों को, फॉर टूर कंडक्टेड ओनली आउटसाइड इंडिया, बाहर के लोगों को बाहर ही घुमाया, तो सर्विस टैक्स नहीं आएगा। सर्विस ऑफ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, मतलब सैंड पानी, तो टॉयलेट का जो वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको ऐसे ही खुले में छोड़ नहीं सकते, वाट लग जाएगी, तो ऐसा अगर करना होगा तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट दिया एंट्री टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, जू, टाइगर रिजर्व, यहाँ पे जाने के लिए भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। अगर तुम लोग जू या नेशनल पार्क घूमने जाते हो, नो सर्विस टैक्स। उसके बाद सर्विस बाय वे ऑफ एग्जीबिशन ऑफ मूवीज, हाँ तो कौन सा सर्विस है, एग्जीबिशन ऑफ मूवीज बाय एन एग्जीबिटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। अब कैसे होता है, ये बड़ी बड़ी मूवीज जो आती है ना, यशराज फिल्म हो या रेड चिली प्रोडक्शन हो, उनके पास बहुत पैसा है, वो मूवीज डायरेक्ट थिएटर में आती है, बट छोटी छोटी मूवीज जो होती है ना डायरेक्ट थिएटर में नहीं आ सकती, उनको पहले कहाँ जाना पड़ता है, अलग अलग एग्जीबिशन में जाना पड़ता है, ताकि कोई प्रोड्यूसर या कोई फाइनेंसर उनको मिल जाए और उनकी मूवी रिलीज करने में उनकी हेल्प करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एग्जीबिशन में जाना पड़ेगा, तो वो एग्जीबिटर मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या सर्विस, तो मेरे मूवी को वहाँ पे एग्जीबिशन में शो करके मुझे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरी मूवी उनके एग्जीबिशन में शो हो जाए, इसके लिए मुझे कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो वो चार्जेस के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। सो सर्विस बाय वे ऑफ एग्जीबिशन ऑफ मूवीज बाय एन एग्जीबिटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, नो सर्विस टैक्स। और 45 एंट्री एडमिशन टू सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, सर्कस, डांस शो, थिएटरिकल परफॉर्मेंस लाइक ड्रामा, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट लाइक ओलंपिक, यहाँ पे एंट्री करने के लिए कितना भी पेमेंट करो सर्विस टैक्स नहीं आएगा। ये ऐसा ही सिमिलर टाइप का एक चीज़ हमने ना देखा था इसमें नेगेटिव लिस्ट में, कि मेरा एक फ्रेंड था जो पढ़ाई कर रहा था और पार्ट टाइम खेती करता था, याद है, उसका ड्रीम था उसको अवार्ड फंक्शन देखने जाने का, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, एंटरटेनमेंट इवेंट्स, कैसे एंटरटेनमेंट इवेंट्स, जैसे कि अवार्ड फंक्शन, नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट, मिस इंडिया कॉम्पिटिशन जैसा पेजेंट, यहाँ पे एंट्री करने के लिए अगर 500 रुपीज़ का टिकट है तो सर्विस टैक्स नहीं आएगा। 500 रुपीज़ तक नो सर्विस टैक्स, 500 से ज़्यादा टिकट रहेगा तो सर्विस टैक्स आएगा, करेक्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कभी भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। वहाँ पे देखा था नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट, अगर ग्रेजुएट गुरु ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, सो क्रिकेट टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज किया और उसको देखने के लिए 500 रुपीज़ तक टिकट होगा तो सर्विस टैक्स नहीं आएगा, 500 से ज़्यादा टिकट होगा तो सर्विस टैक्स आएगा। बट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट जैसे ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कोई अगर टूर्नामेंट्स हो रही है तो वहाँ जाने के लिए अगर 500 रुपीज़ का टिकट होगा तो भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा, 500 से ज़्यादा का टिकट होगा ना तो भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे किधर भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल्सो रिफर नेगेटिव लिस्ट पॉइंट नंबर 3 फ्रॉम अवर बुक, हमारे बुक से देखना है, हमारे बुक का पॉइंट नंबर 3, आप किसी और ऑथर के बुक में देखोगे तो पॉइंट नंबर 3 ये नहीं होगा, ठीक है, हमारे स्टोरी में पॉइंट नंबर 3, मेरा फ्रेंड था जो पढ़ाई कर रहा था, पार्ट टाइम खेती करता था, उसका ड्रीम था उसको अवार्ड फंक्शन देखने, तो थर्ड पॉइंट हमारे स्टोरी में था जो एंटरटेनमेंट इवेंट्स में एंट्री करने के लिए। तो फाइनली हमारे मेगा एग्जेम्पशन खत्म हुए। अब लोग सोचेंगे सर आपने तो बोला था हाफ सेंचुरी मारनी, आपने तो 45 पे छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली हमने 51 टोटल नंबर हमने किए हैं, बट क्या हुआ काफ़ी जगह पे मैंने कुछ कुछ एंट्रीज कंबाइन कर दी, जैसे कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह, एक जो पॉइंट हमने किया था वो एक्चुअली 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स को कंबाइन करके मैंने ये पॉइंट किया, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर या फिर GTA उनको भी कंबाइन करके मैंने उसको 1 पॉइंट बनाया, तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने कंबाइन किए, क्लब किए, काफ़ी सारे पॉइंट्स को अलग अलग किया, इस वजह से नंबर वो नहीं होगा जो हमारे बुक में। तो ये इतना सा पढ़ोगे तो भी हमारा पूरा सिलेबस खत्म। तो फाइनली हमारा सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है। तो सर्विस टैक्स में हमने क्या क्या देखा, तो हमने बेसिक कंसेप्ट देखे, बेसिक कंसेप्ट में क्या होगा, तो सर्विस टैक्स कैसे आया, फिर कायदा कानून कैसे आता है, फिर सर्विस टैक्स का रेट क्या होता है, फिर उसके बाद देखा कि सर्विस टैक्स
के लिए इंडिया में कौन से कायदे, लॉज रिलेटेड टू सर्विस टैक्स, फिर हमने देखा डेफिनेशन ऑफ सर्विस, फिर देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, फिर देखा जम्मू कश्मीर, फिर देखा एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्विस टैक्स। ये सारे बेसिक कंसेप्ट जो दो दो पांच पांच मिनट में अपने खत्म हो रहे थे, वो सारे कंसेप्ट हो गए। उसके बाद हमने बड़ा पार्ट चालू किया, वो था नेगेटिव लिस्ट। तो 17 एक्टिविटीज हमने की नेगेटिव लिस्ट की। उसके बाद हमने क्या किया, 17 एक्टिविटीज के बाद हमने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन किया। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में देखा कि किस पल में, किस पॉइंट पे ये पक्का हो जाता है कि सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा, सो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। उसके बाद हमने प्रोसीजरल कंप्लेंस किया, सीए लोगों का काम जो करने के लिए सीए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, हमने यहाँ पे सीखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, या फिर पेमेंट कैसे कहाँ कौन करता है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया मेगा एग्जिबिशन लिस्ट। तो मेगा एग्जिबिशन लिस्ट के सारे पॉइंट आज खत्म हो चुके हैं। अपने बुक के कुछ ही क्वेश्चन जो बाकी है ना, वो तुम लोग खुद कर सकते हो, अगर कुछ हुआ तो मैं हुई, तो बस सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो होमवर्क सेक्शन के जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी तुम लोग खुद ट्राई करने वाले हो। तो बस सर्विस टैक्स हो गया, अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले एमवैट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।